मैंने बहुत ही अजीब साथियों, भाइयों, दोस्तों और मुआच गोट के मेरे दोस्तों, नौजवानों, नदिया टाउन के दारे रखने वाले मेरे भाइयों, मोहतरम हलीद साहब, न्याजी साहब, लदार साहब, असदली साहब, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि कराची बदल रहा है। 30-40 साल से इस शहर में एक तकसीम पैदा कर दी गई थी, और तकसीम इस तरह पैदा कर दी गई थी कि सिंधी महाजर में, बलोच महाजर में, कच्छी में, इसमें लोगों को तकसीम कर दिया गया। और फिर पार्टियां जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, जो गटर में आपको मुबतला रखते हैं, जो तामीर नहीं करते सड़कों को, जो आपको पानी नहीं देते, जो आपको बिजली नहीं देते, ये सारे लोग इलेक्शन के मौके पर आकर बलोच से कहते थे कि तुम पीपल्स पार्टी में हो, महाजर से कहते थे कि तुम्हारी पार्टी एमपीओ में, और काम किसी का नहीं होता था। ये दोनों एक हो जाते हैं, ये दोनों इस वक्त भी हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, और ना बलोच को कुछ मिलता है, ना सिंधी को कुछ मिलता है, ना महाजर को कुछ मिलता है, ना पख्तून को कुछ मिलता है। इसलिए जमात इस्लामी ने इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया है। अब तमाम जुबानें बोलने वाले अल्हम्दुलिल्लाह तराजू निशान पर मोहर लगा रहे हैं। जुबानें बोलने वाले इस वक्त पूरी यकजाई के साथ इस शहर का मुस्तकबिल देख रहे हैं, और 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर फतह होगी और इस शहर को एक बार फिर जमात इस्लामी का मेयर मिलेगा। और पूरी टीम भी हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई दूसरी जमात हो, ये मत समझो कि हम जिस तरह चाहे लोगों को बर्बाद करें, कोई उनका काम ना करे, लेकिन चूंकि कुछ सिंधी और बलोच है तो तुम्हारी जेब में, कोई महाजर है तो एमपीएम की जेब में। ये सियासत मुर्दाबाद हो चुकी, ये सियासत खत्म हो चुकी, ये गंदगी और जलासत हमने जो है रोक दी है। अब सब इंशाल्लाह उठकर खड़े होंगे और पीपल्स पार्टी को इस मार्च कोर्ट से भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। और बलोच अवाम, सिंधी अवाम जमात इस्लामी के निशान तराजू पर मोहर लगाएंगे और इनको पता चल जाएगा कि अब अगर काम नहीं करोगे तो लोग तुम्हें उस तरफ करेंगे। फतह तराजू की होगी, फतह हक की होगी, फतह हमारे बच्चों की होगी, हमारे मुस्तकबिल की होगी, फतह कराची की होगी। कराची में रहने वाले हर बलोच, हर सिंधी, हर महाजिर, हर पख्तून, हर पंजाबी, हर सराइकी, हर कश्मीरी, हर हजारेवाल, मेमन, गुजराती, बंगाली और बर्मी, जितनी कौमें आ रहती हैं, ये फतह सबकी फतह होगी इंशाल्लाह।